सुबह से चल चुके हैं 6 से 7 किलोमीटर और हमारा संघर्ष शुरू हो चुका है भाई साहब, लिफ्ट मांगने वाला। नेशनल हाईवे नंबर 55 सामने आप देख सकते हैं बोर्ड, और दार्जिलिंग है यहाँ से 77 किलोमीटर। ये क्या बोलते हैं, इस साइड ऐसे झुक जा रहा है। तो यहाँ सोमेश भाई लगे पड़े हैं, देखो भैया 6 से 7 किलोमीटर चल रही है और अभी हाईवे से बाहर आ चुके हैं, फिर भी कोई लिफ्ट का वो नहीं है। लिफ्ट नहीं मिल रही है तो बस पीछे फुटबॉल चल रहा है। बंगाल आए और फुटबॉल नहीं देखा तो क्या देखा, अच्छा लग रहा है देखते इनको। सुबह पहुँचे हैं 4 बजे से यहाँ और अभी 9 बजने वाले हैं, 5 घंटे हो गए भाई, मतलब इतना इंतज़ार तो हमने अभी तक नहीं किया, तो आज हमारा मतलब हाईएस्ट वेटिंग टाइम हो गया लिफ्ट मांगने का। तो दार्जिलिंग तो पहुंच के रहेंगे और आपको भी पहुंचा के रहेंगे कैसे भी हो। तो भाई साहब आज दिन की पहली लिफ्ट मिल चुकी है, हम जा रहे हैं सुखना मोड़ तक, और कौन सी गाड़ी है बताता हूँ मैं, ये देखो पीछे मच्छी रखी हुई है भाई साहब, तो मच्छी वाली गाड़ी में मिली है आगे सुखना तक के लिए। हमने बोला भैया बैठा लो यार, दीपक बाबा बैठ गए आगे और चलो दिन की शुरुआत हुई। बोहनी हो गई भाई, अपनी बोहनी हो गई, अच्छा लग रहा है यार, वेस्ट बंगाल में पहली हिच हाइक। ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मिलन सर। मिलन सर जी, थैंक यू। तो ऑटो वाले जो भाई साहब थे वो उन्होंने हमें उतार दिए यहाँ पर, और यहाँ से भैया आगे उन्होंने बताया हमें कि 2 रास्ते हैं, तो देखो दोनों में से किस में आपको मिल जाए। तो 2 रास्ते हैं दार्जिलिंग जाने के, हम तो छोटा वाला रास्ता ही लेंगे भैया, भले लिफ्ट कम मिलेगी चलेगा। तो भैया लिफ्ट ले ली हमने अच्छी खासी, और भूख लगने लगी, अब आराम कर रहे हैं इधर और कुछ खाएंगे भाई, फिर उसके बाद मांगेंगे अपना कार्यक्रम जो है ना छोड़ेंगे नहीं, और आपको दार्जिलिंग तक तो लेके जाएंगे यार, पहुँचा के रहेंगे दार्जिलिंग तक, बता रहे हैं बहुत थक गया यार, भूख लग रही है। और ये हमारा ब्रेड, और ख़रीद लिया हमने पूरे 15 रुपये दे के मैगी पिचकू, तो आज हम ये खाने वाले हैं भाई, ब्रेड और केचप। जिस हिसाब से हम लोग नॉर्थ इंडिया में थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी यार वहाँ पर, उस हिसाब से बहुत अच्छा है मौसम, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर बरसात वाला है, लेकिन हल्का सा पसीना जो निकलता है वो निकलेगा क्योंकि उमस है यहाँ पर, और आगे पहाड़ों में जाएंगे तो देखते हैं मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मेन उसी चीज़ के लिए आए हैं यार। पूरी को छोड़ा मैंने पूरी से, वरना मेरे को जर्नी जो है कंटिन्यू करनी थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ा और सिलीगुड़ी आया डायरेक्ट, क्योंकि इस साइड से करते हुए ऐसे नीचे उतर जाएंगे, और इंडिया का मैप जो वो तो बना के ही रहेंगे, और बस मज़े आ रहे हैं। हो गया हमारा नाश्ता, निकलते हैं आगे। ये हवाएं गुनगुनाएं, पूछ क्यों है जरा फूलों में कलियों में, क्या क्या पता है, गाना भूल गया बाबा, चल रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा आ रहे हैं यार इस साइड।
बिल्कुल थैंक यू भैया बाय। साहब कुरसेंग 4864 फीट की ऊंचाई पर है ये स्टेशन। तो ये भाई छोटी छोटी पटरियां हैं, ये बाज़ार है, तो यहाँ पर टैक्सी वगैरह बुक हो जाता है। तो भाई साहब ये सब टाउन देख के मतलब अलग ही खुशी हो रही है, अलग ही लेवल की खुशी हो रही है हमको। पता नहीं आज कितने किलोमीटर तक हम लोग आज पैदल चलने वाले हैं। और बाकी अगर भाई यहाँ की बात करना हम लोग तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर से बना हुआ है और काफ़ी पुराने तरीके से घर भर बना हुआ है। और ये जनाब चल रहे हैं आगे आगे, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। सब ये छोटा सा रेलवे स्टेशन और ये छोटी छोटी पटरियाँ, स्टेशन का नाम है घूम और यहाँ से दार्जिलिंग है 8 किलोमीटर। ये है घूम म्यूज़ियम, मतलब ये जो इंजन और डब्बा, छोटा सा इंजन और छोटा सा डब्बा ऐसा कुछ रखा हुआ है भाई, मालगाड़ी का डब्बा भी है। वाह क्या बात है। तो भाई एक और खर्चा हो गया हमारा, 250 में छाता खरीदना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत ख़राब करने से अच्छा ये छाता खरीद लिया। और आगे जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या हाल चाल होता है स्टे का, क्योंकि कैंपिंग कर पाना मुश्किल है। तो देखते हैं कुछ दूसरा जुगाड़, मंदिर या फिर मोनेस्ट्री वगैरह कुछ। तो गाइस जिस रोड पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उसी पे ट्रेन भी क्रॉस कर रही है। मतलब हम लोगों ने सारा का सारा इंडिया कवर तो ऑलरेडी कर रखा है, बट अभी ये नॉर्थ ईस्ट सारा रहता है ये वाला एरिया, हम सोच रहे हैं कवर कर लिया जाए इसको भी। बैठे हुए थे यहाँ पर और इनसे बात करी कि हम लोग टेंट वगैरह रहने के लिए मतलब आसपास जगह हो तो बताइए। तो ये जो रेड स्वेटर में दीदी बैठी हैं, इन्होंने कहा कि आप चलिए मेरे घर के पास, वहाँ पर है जगह। और फिलहाल हम लोग इन्हीं के साथ इनके घर जाने वाले हैं। थैंक यू। तो ये है एक चाइनीज मॉनेस्ट्री, ये है चाइनीज लोगों का कब्रिस्तान। और दीदी हमें लेके जा रही हैं, मतलब जहाँ पर हम लोग टेंट लगा सकते हैं वहाँ पर, मतलब जिसकी मतलब जिन्होंने पहले यहाँ पे आगे आगे मारो ना। हाँ हाँ अच्छा, सबका नाम लिखा हुआ है। हाँ 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 चाइनीज में लिखा हुआ है ये वाला। ओके मतलब बकेट है। अच्छा सिक्स बकेट है ये। ओके इसमें सिक्स है इधर 12 है। अच्छा और आसपास में मतलब बहुत सारे लोग रहते होंगे। हाँ ये सब है ना, मतलब इधर पहाड़ों में थोड़ा सा घर दूर दूर रहता है। भाई कितना मुश्किल है ये देखो। सुमेश भाई आ रहा है भाई, यहाँ से ना दीदी को चलना बड़ा आसान लग रहा है, दीदी बड़े आसानी से चल रहे हैं और हम लोग आस्ते से चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग। अच्छा फॉरेस्ट घूमने आते लोग, बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, बहुत घूमने का आता है, पिकनिक खेलने के लिए, जो ब्रिटिश टाइम में बनाया था ना। अच्छा ब्रिटिश ने बनाया इधर रास्ता, बहुत है इधर दार्जिलिंग जाने का रास्ता है। अच्छा जो ब्रिटिश टाइम में वो घोड़ा क्या बोलते हैं, घोड़ा हॉर्स, हॉर्स हाँ 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 हॉर्स राइडिंग के लिए। मतलब इस फॉरेस्ट में कला बीच बीच में रास्ता जो सिर्फ हॉर्स के लिए।
तो सिक्किम एंटर नहीं हुआ है अभी फिलहाल, दार्जिलिंग से पहले ही हैं और एक्सपीरियंस जो हुआ मतलब ख़तरनाक वाला हो गया है। फिलहाल टेंट लगाने की जगह हमको मिल चुकी है, तो